और आज हमें ये इस पखवाड़े को मनाने का जोधपुर में एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाई हमारे केशों की क्या विशेषता है, दस्तार की क्या विशेषता है और हम सिर पे दस्तार क्यों पहनते हैं, इस बारे में ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। और माने भी अट आने बड़ो घर में से सूर्य है और माने तो इच्छा है कि मैं इन्हें पकड़ी ने प्यारी रखा, एडो मन में भाव आ रहा है। नवजीवन जो है मॉडर्न जमाने का IAS, IPS, RAS, डॉक्टर्स और इंजीनियर वाला स्कूल, जहां मिलती है उत्तम शिक्षा। नवजीवन साइंस ग्रुप ने दिए हैं अब तक सबसे ज्यादा मेरिट। आज ही लाए अपने बच्चों को नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर में और दे बच्चों के सपनों को उड़ान। नमस्कार, राम राम खम्मा गणी, मारा नाम है नवजीत तादेगरे जलको जोधपुर। सब पहले तो पेज मत नहीं हो तो फेसबुक पेज ने लाइक कर दो, यूट्यूब में तो बेल आइकन दबा दो ताकि सारी जुड़ी हुई बड़ी खबर आप लोगों ने मिल सके। आज आप आई खबर क्रम मैंने आयो हाँ पाल रोड अशोक उद्यान और अट कई वास्ता आया तो स्वस्थ गेट में आपने ध्यान हो तो एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा सिंह सभा उन्हें सानिध्य मैंने सिख समाज द्वारा अट अशोक उद्यान के बारे सर्वधर्म ने पगड़ी पहनाई जा रही है तो अटे भाई साहब आयोडा यहाँ बात कराला और जानाला। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर बलकीत सिंह है एंड सबसे पहले मैं बोलूँगा वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं खालसा एड इंडिया से वॉलंटियर हूँ और जोधपुर संभाग के एज अ वॉलंटियर संभाल रहा हूँ। यहाँ पर खालसा एड पूरे पैन ग्लोब में इस समय टर्बन अप नाम से एक प्रोग्राम चला रही है जिसमें मोस्टली हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पगड़ी के संभाग में लोगों को पता लगे कि एक सर के ऊपर रखी हुई पगड़ी का क्या महत्व है। अगर आप बैटल ऑफ सारागढ़ी से देखें तो पगड़ियों के बारे में हमें उस समय से पता लगा, आज जी तो उस इतिहास को कैरी करते हुए आने के बाद आम लोगों में ये बताने के लिए खालसा एड ने एक इनिशिएटिव लिया था टर्बन अप। 14 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक हम लोगों ने एक पखवाड़े के रूप में मनाया और आज हमें ये इस पखवाड़े को मनाने का जोधपुर में एक सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसे हमने सिख समाज की संगत के साथ मिलकर यहाँ पे कर रहे हैं और सारे उपराले या सारे इनिशिएटिव को खालसा एड पैन ग्लोब चला रहा है। तो आज हमने जितने भी ये यहाँ पे किया जा रहा है इसे इंटरनेशनली हम कोशिश कर रहे हैं कि फेम में लेकर आएं और बाकी सबके सहयोग है बिकॉज राजस्थान में वैसे ही साफा का एक बहुत बड़ा महत्व है तो उसको देखते हुए एक नया कदम है खालसा एड का राजस्थान में भी और पैन ग्लोब में भी। और खालसा एड आप देखेंगे तो कोविड से लेके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर कोई भी आपदा आती है तो सबसे आगे आपको खालसा एड के वॉलंटियर मिलेंगे। तो ये एक संस्था है जिसमें वॉलंटियर्स हैं ना कि मैं हूँ, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसी चीज़ के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करूँगा। आज मैं जानने चाहूँ वो प्रोग्राम आप करवा रहे हो और कई वास्ते करवा रहे हो, कई रीज़न है और पगड़ियाँ लोगों ने आप यूँ ही बांट रहे हो? पापा मतलब जितना भी लोग है सरदार सिख फैमिली वाला वो हैंगा ने टर्बन के बारे जो विशेषता है वो बताया करें, भाई हमारे केशों की क्या विशेषता है, दस्तार की क्या विशेषता है और हम सिर पे दस्तार क्यों पहनते हैं, इस बारे में ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। लोगों ने आम लोगों ने वो बताने वास्ते कि साहब ए टर्बन री है, दस्तार की कई विशेषता है और सिख धर्म में आप पहले भी जानते हो वाला साहब पहले हैंग देना दस्तार सिर में पहनते ही भले हिंदू हो भले मुसलमान हो भले सिख हो, या तो धीरे 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 करता कही है कि लोग अपनी जी की पुरानी परम्परा है वनू पिछड़ता गया है पर सिख जो है वो आज तक अपनी परम्परा कायम रख रही है। तो इन वास्ते कही है कि एक सिर्फ एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, इनमें हम कही है कि जैसे गुरुद्वारा सिंह सभा हमारा जोधपुर में है, बेन गुरुद्वारा है वहाँ उनके सहयोग से एक हमारे यहाँ पे छोटी सी सेवा समिति बनी हुई है भाई कन्हैया सेवा समिति, उसके साथ में दशमेश सेवा दल, यहाँ पे दो चार सेवा समितियाँ और अच्छी हैं यहाँ पे जो कोविड के टाइम पे भी बहुत अच्छा काम किया लोगों को हमने यहाँ पे लंगर की सेवा और वो सब करने का। तो एक हम सब ने मिलके और एक खालसा एड करके एक बहुत बड़ी एक संस्था चल रही है NGO और ओवर वर्ल्ड में, उनके सहयोग से हम यहाँ पे एक फ्री टर्बन सबको बांट रहे हैं ताकि एक सबको बता सके कि भाई टर्बन की विशेषता और इसकी क्या, मतलब हम इसको एक टोपी की तरह नहीं रखते, ये एक हमारे लिए एक बहुत मान का एक चीज़ है, उसको हम लोगों को बताना हमारा मेन उद्देश्य ये है सबको बताया जा सके कि इसकी विशेषता क्या है। तो अटे मतलब आप बताओ सा कितना टारगेट है या मतलब कोई टारगेट फिक्स करने चाल रहे हो आप जो पगड़ियाँ बांध रहे हो? सेवा रो काम है इनमें मानो टारगेट 500 रो पगड़ी तो जरूरी पहनावनी है, इन ज्यादा हो तो मानवा खुशी की बात है। सर्वधर्म वाला सम्मिलित है, सर्वधर्म नॉन सिख कोई पहनाएंगे, सिख धर्म वाले तो पगड़ी पहन के आते हैं, जो नॉन सिख है उनको हम पहना के और इस पगड़ी की जो महत्वता है वो उसको दिखाएंगे भाई इसकी महत्वता ये है और इसके लिए
पगड़ी से, पगड़ी के कारण जो सिखों ने जो कुर्बानी दी वो भी इसी में इसी से दर्शाएंगे कि भाई इसमें यह ऐसा हो रहा है। सा कैडो लगे आपने के देखो साफे की परंपरा अपनी बहुत ऐतिहासिक परंपरा है, अपने खास तौर से सनातन धर्म में हिंदुस्तान के हिसाब से जो उच्च वर्ग था उसमें साफा मानने की परंपरा बहुत पुरानी है। ठीक है, आज कहीं ना कहीं वो परंपरा गायब सी होती जा रही है, पर सिख समाज आज भी उस परंपरा को संभाले हुए है, उसको संजोए हुए है, इतिहास अपने साथ में कहीं ना कहीं वो कैरी कर रहा है। ठीक है, आज भी अपन साफा मानते हैं, कई जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी साफा बांधते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये परंपरा आज भी जैसे चल रही है उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। ये एक मतलब धार्मिक कार्यक्रम के साथ में एक सामाजिक कार्यक्रम भी है, जिसमें मतलब जो धार्मिक सौहार्द का प्रोग्राम है, मतलब अदर कम्युनिटी के अंदर एक अच्छा मैसेज जाता है और वो भी बहुत बहुत रिस्पेक्ट से इस पगड़ी को संभालते हैं। वो महसूस करते हैं कि भाई इस खाली ये कपड़ा नहीं है, वो इस चीज़ को फील करते हैं कि भाई इसके बाद में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। तो इस तरह का ये एक प्रोग्राम है। मारो नाम विष्णु सरगरा है और आज पाल रोड स्थित अशोक उद्यान रे मैंने सिख समुदाय रे तरफ हूँ आज एक पगड़ी बांधुने जी को परंपरा है इन लेकर आज सर्वजनित विकास संस्थान आज हाथ आयो है और एक पगड़ी रिजी को खासियत है कि खाली माता माता टोपी नहीं है, वो एक कपड़ो नहीं है, वो ये हमारा संस्कार है और हमारो मौन है और हमारो सम्मान है। इन वास्ते आज सर्व धर्म समाज ने भी ये पगड़ी फहरा रहा है, सबको फहरा रहा है, बहुत खुशी की बात है। मैं 5 रोड नवी चौपास रोड आयो हूँ और सर्वजन हित एवं विकास सेवा संस्थान जिको निरंतर संस्कृति और कला ने लेने भी काम करिया करे, इन वास्ते आज आम जन ने पगड़ी पहना रहा है, इन वास्ते बहुत खुशी की बात है और हमारे संस्थान का सब पदाधिकारी आज पगड़ी पहनी है। आप बताओ सर, कई नाम है आप? मारा मनीष कुमार, कटरा जोधपुर। क्या लाग रही है पगड़ी बंधाने? बहुत सद्भावना वाला काम है ये, है ना, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कुछ भी नहीं, बट एक वो बोलते ना क्या सब हिंदुस्तानी हम लोग, बस वो फीलिंग आ रही है हमारी। मेरा नाम विनय है, विनय वर्मा, क्षत्रिय राजपूत हूँ। आप देख सको यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, अभी पगड़े बंधी है और मारवाड़ी मंच में आवे यहाँ। बिल्कुल आवे। कड़ी लाग रही है पगड़ी? अच्छी। उतरी कौन सी क्लास में पढ़ा? सिक्स्थ। सिक्स्थ में पगड़ी, वैसे आपने ध्यान है पगड़ी रो कोई रोल रिया कर या क्या धर्म वाला ज्यादा पहने कर? सिख लोग पहनते हो पंजाबी। आज आपने पहनने का मौका मिली है, कैसा लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो मैं लोग बेटा सब आया हाँ तो पगड़ी बंधान अपना आपने एक बड़ो मैं घर में महसूस कर रहा हाँ कि मैं भी इरा जो सिख समाज जो अपने देश ने हर तरह बलिदानी और कुर्बानियाँ जो हुई है और आज जो अपे ये तो आज़ादी रो जो जो जश्न ले रही हाँ इनमें एक बहुत बड़ो अपनों सिख समाज रो अपन योगदान रहे है। तो आज जो पगड़ी है वो अपन एक घर भरी निशानी है, तो ओ मैं अटा हाँ ना पगड़ी बंधा ना अपना आपने बड़ो गर्व महसूस कर रहा कि मैं भी हिस्सा रहा भागीदार हूँ यहाँ। और इस मारो कहना है और मैं तो सबने आह्वान करूँ कि इतो अच्छो जो प्रोग्राम राखियो इरी थोड़ी और महत्ता अपन इन्हें बढ़ावनी आने वाले समय में। तो बढ़िया काम कर रहा है, अटे कोई भी धर्म रो या जाति रो भेदभाव नहीं हो, हर जात वाला कर रहा है उन्हें लेने। आप दर्शक ने की कहनी चाहो? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि आप देखो कि इन सिख समाज रो कितो एक आदर है कि आज अटे कोई जाति धर्म नहीं है, सब समाज रा लोग अटे आ ने इन प्रोग्राम में शामिल होने चाहे और में शामिल होता अपना आपने बड़ा गर्व महसूस कर रहा है। तो आ एक सीखने की बात है दूसरा लोगों ने भी, चाहे अदर कोई भी धर्म है उन्हें भी वो सीखना एक कटक है कि वो भी अपना आपने आप रे धर्म ने इतो उरो महत्व या इति वह बतावे कि लोग उर वास्ते भी समर्पण हुए। लेकिन आज इन मैं समझूँ इन पूरे हिंदुस्तान में कई पूरे संसार में साहित्य ही कोई अड़ो धर्म है कि जिन्हें प्रति इति जो आदर जो भाव है वो एक सिर्फ सिख समाज या पगड़ी है, इन्हें हर कोई बनानी चाहे और हर कोई इन जुड़ भी चाहे। आज एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी गर्व की बात है। आज मैं कोई धर्म की आलोचना नहीं करूँ तो दूसरे ही उठे जा ने वो उरो चीज ने आप सिर माथे रखनी वो गर्व महसूस नहीं करे, जितो कि सिख समाज की जो पगड़ी है जो अपना हिंदू समाज जो सापो है तो सापो भी सब बनानी चाहे। यूर यूँ आज जो पगड़ी है इन्हें बांधने बड़ो गर्व महसूस करा और माने भी अट आने बड़ो गर्व महसूस हो रही है और माने तो इच्छा है कि मैं इन्हें पगड़ी ने प्यारी रखा, मतलब अड़ो मन में भाव आ रहा है।
बोले सो निहाल, सो निहाल, सो सत श्री अकाल। आप देख सको आप मनाते अबार तक जुड़े हुए चैनल माते। हमारा नाम अनुजीत, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि शहर जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोधपुर।